तो ये है जी मेरा दूसरा व्लॉग और आज दिन है मंगल का। तो अभी मैं आया हूँ शहर अपने शाम की, यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। मैं पहले व्लॉग में आपको नहीं बता सका कि मैं सऊदी अरब में हूँ, तो छुट्टी आया हुआ था, अभी छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो आज शॉपिंग वगैरह करने आए हैं। A few moments later. ये मेरी पैकिंग, ये जूते वूते और ये कुछ सिगरेट्स दोस्तों के लिए जो गिफ्ट वगैरह लेके जाने, और ये कपड़े आ गए जी, और ये बाकी चीज़ें अभी पैक कर रहे हैं। तो बस दोस्त आ चुका है गाड़ी लेके, पैकिंग मुकम्मल करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं जी। तो ये जी गाइस सामान हो चुका है हमारा पैक, और ये रहे मेरे पासपोर्ट और ये रहे डॉक्यूमेंट्स। तो बस अब करते हैं बैग को बंद और निकलते हैं। बाकी दोस्त आए हुए हैं, दोस्तों के साथ ही जा रहा हूँ मैं, घर वाले नहीं जा रहे छोड़ने के लिए, क्योंकि ज़रा जब घर वाले एयरपोर्ट जाते हैं तो फिर थोड़े मंजर जज्बाती हो जाते हैं, इसीलिए मैं घर वालों को लेके नहीं जा रहा, ना सिर्फ शफीक लौट हो जाता। ओके जी, तो जी ये आ चुकी है गाड़ी और ये आ गए मोहम्मद अहमद भट्टी साहब, अभी सामान रखने लगे हैं गाड़ी में, फिर बाकी इंशाल्लाह रास्ते में और लाहौर पहुंच के फिर आपसे होती मुलाकात इंशाल्लाह। बट साहब होगी सामान की सेटिंग है। चलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, दोस्त आ चुके हैं जी, ये जी बिलाल साहब, आसिफ कलिया, और ये आगे जी जवेद साहब, और ये साथ आगे जी भट्टी साहब। और रास्ते में दिखा दें आपको, ये वो नहर वाला रास्ता है जी। तो अभी जैसे ही फिर क्योंकि मेरी फ्लाइट है कल 11 बजे दिन को, तो लेकिन दोस्तों के साथ अभी निकला हूँ, चलो थोड़ी देर रात को ज़रा जो टाइम साथ स्पेंड कर लें वही बहुत है। सीरियस कहें तो इस वक्त मूड की तो लगी पड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी इंशाल्लाह फिर पहुँचते वहाँ पे तो देखते हैं क्या सीन है। रात के 1 बज चुके हैं और अभी भी स्टिल लाहौर ही है जी। तो अभी पहुँचते हैं नईम के पास, फिर आपको भी मिलाते हैं। तो जी रात में हम पहुंच गए थे नईम भाई के पास, ये रहे जी नईम भाई, साहब वेव कर दो जी। तो अभी रात को पहुंचे थे लेट, फिर वहाँ पे थोड़ी देर नईम भाई के घर रुके, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज चुके हैं। तो अभी निकले, अभी जाना है बुद्धू खां पे, थोड़ी स्वीट्स वगैरह लेनी है, मिठाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ दोस्त आ जाए कर लें। ये बैठे जी तो अभी फिर थोड़ा नाश्ता करने आए हैं चाय पराठा के साथ, तो नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता जो हमें करना तो बस जी, तो अभी रास्ते में जी और 10-15 मिनट लग पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। तो जी गाइस ये पहुंच गए हैं जी एयरपोर्ट रोड पे, अरे बस अभी हमारा 5 मिनट का सफ़र और होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 5 मिनट के बाद एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंच जाएंगे, नहीं होता अपनों को छोड़ के जाना, खुद को छोड़ना पड़ता उनके पास। तो जी ये आ गया जी इलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, अभी फिलहाल जितनी भी गलतियां कर रहे हैं ना गाइस, दिल तो मेरा कर रहा है कि नंगी गलतियां निकालो, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। पार्किंग में पहुंचते हैं, ओ सच आपको पता नहीं थी कि वो बंदू खां में गए थे जी, बंदू खां से मिठाई वगैरह हमने ले ली। तो अभी
लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जी। तो जी अभी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, बोर्डिंग पास मिल चुका है, तो अभी जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। गेट नंबर 23 से हमारी फ़्लाइट की एंट्री है। तो जा रहे हैं मेरे बड़े भाई जो कि मेरे साथ ही आए थे और साथ ही जा रहे हैं, हम दोनों भाई बाहर होते हैं। तो अभी गेट नंबर 23 से एंट्री का ऐलान हो चुका है, लास्ट ऐलान है अनाउंसमेंट का, तो फिर चलते हैं। तो अभी फ्लाइट में पहुंच के तो फिर आपसे, तो अभी बैठे हैं वेटिंग, जहाज़ आ चुका है, तो अभी बस यहाँ से अपना बोर्डिंग पास चेक करवाएंगे और जाके बैठेंगे जहाज़ में। तो अभी आपको दिखाते हैं फिर जहाज़ जी। तो ये रहा सऊदी एयरलाइन का जहाज़, इसमें हम जा रहे हैं, साथ में हाजी वगैरह भी ऐड है। तो अभी गैलरी में पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं फिर अगले सफ़र की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो बाकी सफ़र अभी आप देख ही लेंगे, मुसाफिर अभी वेटिंग में खड़े हुए हैं। तो ये जी इस तरीके से जहाज़ लगा है, सऊदी एयरलाइन का काफ़ी बड़ा जहाज़ है, साथ में वो वर्जन और एयर ब्लू, वो सामने एयर ब्लू खड़े हुए हैं, वो सामने जो वर्जन है ये लंदन की फ्लाइट है। तो अभी काफ़ी लंबी लाइन है, देखते हैं अभी आगे क्या सीन होता है।